नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनक्रेडिबल टू इंडिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सा सीसीटीवी कैमरा आपको लेना चाहिए। जैसा कि हम एक वीडियो बना चुके हैं इससे रिलेटेड, वो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें अब आज मैं ये वीडियो फिर क्यों लेकर आया हूँ सीसीटीवी कैमरा को लेके। तो दोस्तों नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम आपके बारे में सीसीटीवी कैमरा के बारे में बात करेंगे या आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, सब कुछ जानने के लिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा कि हमने टू सेटअप का सीसीटीवी कैमरा मंगवाया था, उसको अपने घर में लगवाया भी था, देखने के बाद मैंने उसको ले लिया था क्योंकि उसकी क्वालिटी बेटर लगी, इसीलिए मैंने आपको बताया था। दोस्तों अगर आपको चार सेटअप का लेना है तो उसके लिए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अब चार का सेटअप किस कंपनी का लेना है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि दो सेटअप जो है वो मैंने सीसीटीवी कैमरा सीवी प्लस का मंगवाया था। जो सीसीटीवी कैमरा था वो सीवी प्लस का मंगवाया था, सीवी प्लस कंपनी जो कि बहुत ही अच्छी है और 2.4 मेगापिक्सल अगर आप इसको लेते हैं तो ये इसका जो वीडियो आता है वो HD आता है, खराब नहीं आता। अगर आप उससे कम मेगापिक्सल का लेंगे तो हो सकता है थोड़ा कम क्वालिटी का वीडियो आए, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे 2.4 मेगापिक्सल का कैमरा ही लेना चाहिए। दोस्तों ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2.4 मेगापिक्सल का कैमरा अगर आप लेंगे तो उसकी क्वालिटी जो होती है वीडियो की वो बेस्ट होती है, इसीलिए हम 2.4 मेगापिक्सल। इससे ज्यादा लेंगे तो कॉस्टली भी पड़ेगा और अच्छा भी नहीं रहेगा, 2.4 पे परफेक्ट रहेगा जितना आपको यूज कर सकते हैं। और दोस्तों आपको डाउट आता है कि कंपनी तो जैसे हम बता दिए सीवी प्लस, अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा सेटअप लेना चाहिए, उस सेटअप में क्या क्या है सब कुछ। चलिए उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं उस पूरे बॉक्स में क्या क्या है और आपको क्या क्या लेना चाहिए और कौन सा सेटअप लेना चाहिए। तो दोस्तों जल्दी से हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, जिसको हम शॉर्ट में DVR कहते हैं। ये DVR की कुछ डिटेल्स आप ऊपर बॉक्स में पॉज करके स्क्रीन को देख सकते हैं और इसके पीछे भी सेम चीज़ लिखी गई है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर के साथ साथ कुछ डिटेल्स जो कि आप देख सकते हैं। दोस्तों ये अनबॉक्सिंग बहुत ही इनक्रेडिबल होने वाली है, तो इसलिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ। और अभी तक अगर आप लाइक का बटन नहीं दबाए हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए अब, और आइए देखते हैं। और ये है डोम कैमरा, ये डोम कैमरा अंदर के लिए यूज़ किया जाता है। दोस्तों क्यों अंदर के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो इसकी क्वालिटी होती है जो इसकी डिज़ाइन होती है वो अंदर के लिए स्टेबल की गई है। इसका जो कैमरा का लेंस है वो अंदर के लिए ज़्यादा सुटेबल बनाया गया है, इसलिए हम डोम कैमरा को अंदर के लिए यूज़ करते हैं। मैंने 2 का सेटअप मंगवाया था, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 2 का सेटअप है। उसके बाद हम आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ये है बुलेट कैमरा। बुलेट कैमरा हम आउट स्क्रीन को मतलब आउटडोर की स्क्रीन को देखने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब बाहर की चीज़ों को देखने के लिए हम बुलेट कैमरा लगवाते हैं। टोटल 9 टाइप्स के कैमरे होते हैं, बट हम नॉर्मली हम 2 टाइप्स के कैमरे ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो कुछ सिक्योरिटी फीचर्स के लिए हमें नहीं भी दिए जाते हैं। जैसा कि मैं इसमें 2 टाइप्स के कैमरा मंगवाया हूँ। 2 टाइप्स मतलब एक डोम कैमरा और एक बुलेट कैमरा। डोम कैमरा अंदर के लिए यूज़ किया जाता है और बुलेट कैमरा बाहर के लिए यूज़ किया जाता है। और बॉक्स को आगे देखते हैं, ये है सीसीटीवी SMMS मतलब पावर सप्लाई, इसको हम कहते हैं पावर सप्लाई। इसमें क्या होता है, डेटा को कनेक्ट किया जाता है। और ये है प्राइस जो कि दी गई है 9700। और ये है वायर, और वायर को जैसा कि आप कनेक्ट करने के लिए यूज़ में लाते हैं। और ये है कनेक्टर, कनेक्टर को हम DVR में कनेक्ट करके हम स्क्रीन को डिस वीडियो देखने के लिए यूज़ करते हैं। और ये है डिजिटल HDD, ये मेरी हार्ड डिस्क है जो कि 1 TB की हार्ड डिस्क है। ये है 1 TB की हार्ड डिस्क। अगर आप 2.4 मेगापिक्सल का कैमरा ले रहे हैं तो आपको 1 GB की हार्ड डिस्क लेनी होगी, अगर आप उससे ज़्यादा के लेते हैं तो उससे ज़्यादा की हार्ड डिस्क भी लेनी होगी। दोस्तों आपके कैमरे की मेगापिक्सल पर हार्ड डिस्क डिपेंड करती है, अगर क्वालिटी ज़्यादा अच्छी देखनी है तो आपको हार्ड डिस्क ज़्यादा अच्छा लेना होगा। मैंने 4 का सेटअप लिया है और 2.4 मेगापिक्सल लिया है, तब 1 TB की यूज़ कर रहा हूँ। अगर इससे ज़्यादा कैमरा आप यूज़ करेंगे तो इससे ज़्यादा TB की आपको हार्ड डिस्क लेनी होगी। सिंपली आप ये कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रख लीजिए। जैसा कि तो दोस्तों चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं
और इंडिविजुअली देखते हैं कि हर एक बॉक्स में देखने में कैसे कैसे है, उसमें सारी चीजें कैसे दिखती हैं और कैसे कनेक्ट करना है। ये देखिए कनेक्टर दिया गया है जो कि इस पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है, और ये है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई को आइए हम खोल के देखते हैं कैसे लगती है इसका लुकिंग। और ये देखने में इसकी बीच में बटन दी गई है, देखने में तो अच्छा है ही, और यहाँ से कनेक्ट होता है। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या दिया गया है। ये है बुलेट कैमरा। बुलेट कैमरा की सील को हम ओपन करते हैं और देखते हैं कैमरा देखने में कैसा है। वाओ, अमेजिंग, इनक्रेडिबल, फैबुलस, वाओ, देखने में स्टाइल तो माशाल्लाह, वाओ 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 वाओ, इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल। जो आप कनेक्टर शॉर्ट शॉर्ट में देखे थे अभी प्रीवियस में, इसी में कनेक्ट किया जाता है तभी ये कैमरा चलता है। इसी को कहते हैं बुलेट कैमरा। देखने में कैसा है, इसकी स्टाइल कैसी है, आपको कैसा लग रहा है वीडियो, आप कमेंट में खूब ठोकिए ताली, जितनी ताली ठोक सकते हैं उतनी ताली ठोकिए, और बचा दो सब्सक्राइबर की बटन और बचा दो घंटा। और आगे बढ़ते हुए देखते हैं दोस्तों, ये है डोम कैमरा। और डोम कैमरा को ओपन करते हैं और देखते हैं ये कैसे लगता है। वाओ, दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स अमेजिंग। दोस्तों अगर आपको ऐसी इनक्रेडिबल अनबॉक्सिंग देखनी है और ऐसी इनक्रेडिबल कंटेंट आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करने बिना मत जाइएगा। और देखिए डोम कैमरा की स्टाइल और लुकिंग, देखने में तो बहुत ही यूनिक और इनक्रेडिबल है। अब आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे, मैंने 2-2 का सेटअप मंगवाया था, मतलब 2 डोम कैमरा और 2 बुलेट कैमरा, 2 अंदर के लिए 2 बाहर के लिए, शॉर्ट में हम ऐसे समझ सकते हैं। तो आइए इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। दोस्तों कैसा लग रहा है आप कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। कमेंट में ठोक दो ताली भाई, आज मचा दो हड़कंप पूरा, दिखा दो पावर अपनी भाई। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। अरे यार बोर ना हो, बस लास्ट है, बस इसके आगे हम आपको नई से नई चीजें दिखाने वाले हैं, बस बने रहे आप हमारे वीडियो के साथ। ये है आप कमेंट करके बताइए कौन सा कैमरा है। ये है बुलेट कैमरा। बुलेट कैमरा कहाँ यूज किया जाता है, बाहर के लिए। क्यों? क्योंकि जो डिजाइन किया गया है ये आउटडोर के लिए डिजाइन किया गया है। और ये है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। चलिए हम डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कैसा है इसका फर्स्ट लुक। दोस्तों अगर आप हमारी सब्सक्राइब बटन नहीं दबाए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। और ऐसे ही इनक्रेडिबल और यूनिक अनबॉक्सिंग देखने के लिए, और हम तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनक्रेडिबल कंटेंट आपको तो देते ही रहते हैं। ये है कुछ गाइडेंस टूल्स जो कि आप देख रहे हैं, और ये है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर जो कि कनेक्ट किया जाता है पावर सप्लाई से। पावर सप्लाई देने के बाद ये हमारी स्क्रीन पर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर के द्वारा ऐड किया जाता है, जिसके थ्रू हमारे वीडियो जो रिकॉर्ड होते हैं वो हमारी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। ये है माउस। माउस को हम कनेक्ट करते हैं किसमें, अपनी टीवी या लैपटॉप, जिसमें भी हमें जिसमें हम आप अपनी स्क्रीन को देखते हैं। और ये है कनेक्टर। कनेक्टर को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप बॉक्स को देख चुके होंगे, जैसे पिछला जो मैंने मंगाया था उसमें हार्ड डिस्क नहीं दिया गया था। बहुत से लोग कमेंट करके पूछे थे कि हार्ड डिस्क इसमें है कि नहीं है। मैं उनको क्लियर कर दूं कि उसमें हार्ड डिस्क नहीं था। इस वाले में आपको हार्ड डिस्क के साथ साथ ये टोटल अमाउंट जो है वो 9,700 के आसपास आपको ये मिला था, और आप उसी के अकॉर्डिंग आप हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लेना है तो यही लीजिए। क्यों लीजिए, इसका हम रीजन आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज 2.4 मेगापिक्सल जो कि वीडियो क्वालिटी बेस्ट आती है। और आपको क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वीडियो क्वालिटी अच्छी होती है, और इसके साथ साथ आप इसको लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं, इसमें जल्दी से प्रॉब्लम नहीं आती है। और जैसे कि हम लगवा लिए हैं तो इसीलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों को देख के बता रहा हूँ। मैंने लगवाया है, खुद एक्सपीरियंस किया, तब हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये लेना चाहिए। आप बहुत से लोग होते मार्केट प्लेसेस के लिए लेते हैं, तो मार्केट प्लेसेस के लिए और घर के लिए चाहे जहां लेना है तो आप सीबी प्लस का लीजिए। इसमें 2 टाइप्स के कैमरे आते हैं, जैसे कि हम आपको अनबॉक्स करते समय हम बता दिए हैं। दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो या कोई क्वेरी हो या आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट में पूछिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे।
तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।